अल्पताम ध्वजारोहण। सर एक मिनट, मेरा आर्य केंद्रीय सभा के यशस्वी प्रधान आनंद सिंह जी से और हमारे यशस्वी प्रधान कैप्टन अजमेर सिंह आर्य जी से निवेदन है कि आज के जो हमारे अतिथि हैं उनको ध्वजारोहण के लिए लेकर के जाएं। एक बार सर के वेलकम में तालियां बजाएंगे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की और गांव की और धर्म की शोभा बढ़ानी है हमने, और शोभा बढ़ती है अनुशासन से। बहुत अनुशासन पूर्वक नियम में चलते हुए जो जो जिन जिन को नारे लगाने के लिए कहा है नारे लगाते हुए और इस धर्म की यात्रा ने गांव के प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने के लिए दादूपुर गांव को पूरे विश्व में, पूरा विश्व देख रहा है, यहाँ से लाइव चलेगा सारा कार्यक्रम। और इस गांव का जैसे पहले आर्य गांव के नाम से, आर्य ग्राम के नाम से पूरे देश और दुनिया में सम्मान है, ऐसे ही आपने सम्मान बढ़ाना है। और इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये बता देना है कि धरती पे एक गांव है जिसका नाम आर्य ग्राम दादूपुर है। बहुत शुभ आशीर्वाद। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने
मत कखियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। अस्तु मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय सत्य कखिया रे प्रचार। दयानंद स्वामी आपका दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद तालियां खोल दीजिए ने भारत कखियो बेड़ो पार। बात मिटाया पाखंडों के गढ़ाए, जाति बात मिटाया पाखंडों के गढ़ाए, विधवाह कराया बिछुड़े थे गले लगाए, विधवाह विवाह कराया बिछुड़े थे गले लगाए। दुनिया में दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। जय हो। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। सत्यार्थ प्रकाश बनाया सत्य की राह दिखाई, सत्यार्थ प्रकाश बनाया सत्य की राह दिखाई। वेद भाष्यकर स्वामी तूने ज्ञान की ज्योति जलाई, वेद भाष्यकर स्वामी तूने ज्ञान की ज्योति जलाई। दे दिया इस धाम का दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखिया बेड़ो पार। जय हो। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। चकड़ी थी भारत माता प्यारी, परतंत्रता में चकड़ी थी। गुलामी के ही दिन थे रातें भी गुलामी की थी, गुलामी के ही दिन थे रातें भी गुलामी की थी। आजादी का दिखा दिया दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। जय हो। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत कखियो बेड़ो पार। श्री राम तेरे संग में श्रद्धानंद ही बन जाए, मुंशी राम तेरे संग से श्रद्धानंद ही बन जाए। अमी चंद तेरे चरणों में भज
सज्जनानंद कहलाए, अमी चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए, जयेंद्र भी गा रहा ऋष गीत आपका दयानंद स्वामी ने, जय हो स्वामी ने भारत का किया बेड़ा पार, जय हो मिलके दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। तालियां बजाते हुए सब बोलिए हाथ उठा करके, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार, भारत का किया बेड़ा पार। एक साथ प्रारंभ स्व वापिस तिष्ठ 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 बारह प्रहार बारह प्रहार एक साथ प्रारंभ स्व आर्यों का मेला आ गया, चल चलिए चल चलिए, आर्यों का मेला आ गया, चल चलिए चल चलिए, होगा वेदों का प्रचार जावे सुनने सब नर नार, होगा वेदों का प्रचार सुनने जावे सब नर नार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मौसम मस्ताना आ गया, चल चलिए चल चलिए, आर्यों का मेला आ गया, चल चलिए चल चलिए, आर्यों का मेला आ गया, चल चलिए। बैठे सिर मार रो प्रारंभ स्व पैतरा पैतरा प्रारंभ स्व तिष्ठ दो ठुड्डी होम सिर तिष्ठ राजस्थान का जहाज राजस्थान का जहाज जाने पड़ेंगे भाई दो जाने पगलड़ी हो रही हो दो वापस तीस्ट एक चार, दो चार, तीन चार पांच छह वापिस त्रिगुण मुष्टि प्रहार एक चार, दो चार, तीन चार वापस षटविध मुष्टि प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः सात वापिस वक्र मुष्टि प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः वापिस अवक्र मुष्टि प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः वापिस व्याघ्रपद प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः वापिस संयुक्त मुष्टि प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः सात वापिस विलोम पार्श्व मुष्टि प्रहार एक दो तीन चार पाँच छः वापिस पदाघात किस पे लेंगे पूर्व पदाघात
सुनने सब नर नारे अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए। और ये कहने लगी वो मेरी बहन, सुनिएगा क्या। चलो देर जरा ना करना, मेरी बात हृदय में धरना। चलो देर जरा ना करना, मेरी बात हृदय में धरना। क्यों इधर उधर को डोले, इधर उधर को डोले, मेरी सही बात मन तोले। क्यों इधर उधर को डोले, मेरी सही बात मन तोले। मेरे मन को जलसा भा गया। चल चलिए चल चलिए मेरे जल को मन भा गया। चल चलिए चल चलिए होगा वेदों का प्रचार जावे, सुनने को नर नार अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं सममस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए। और एक बात कही क्या, मेरी बहना समझ इशारा, मेरी बहना समझ, कहना लो माने हमारा, कहना जो माने हमारा। वेदों की पकड़ो राही, वेदों की पकड़ो राही। क्या मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में, क्यों बात समझ में न आई, मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए होगा वेदों का प्रचार, सुनने चाहे सब नर नार अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए मौसम मस्ताना आ गया। चल चलिए चल चलिए। और तीसरी लाइन में कहती है वो बहन, सुनिए कि क्या। ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी, ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी, वो बात खोल गए सारी, वो बात खोज गए सारी। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, वेदों का मार्ग दिखाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, वेदों का मार्ग दिखाया। वेदों का खजाना पा गया। चल चलिए चल चलिए वेदों का खजाना पा गया। चल चलिए चल चलिए आर्यों का मेला आ गया। चल चलिए चल राजा लाया यार।
ये ले हमने तो सारा माल और माला दे दिया। ठीक है स्वामी जी, आज ये कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज का ये कार्यक्रम आर्य ग्राम दादूपुर, जो पूरे विश्व में एक ही आर्य ग्राम है, वैसे तो सारा देश आर्य राष्ट्र होता था, पूरा जो आर्यव्रत था ये पूरा आर्य था, एक समय में पूरा विश्व आर्य था, पर आज भी हमारा देश 5000 वर्ष पहले ये कैसा देश था, कैसे लोग थे, उस सब का एक मात्र एक मॉडल हमारे पास में है, एक आदर्श हमारे पास में है, वो है आर्य ग्राम दादूपुर, जहाँ सर्व समाज का, समस्त जात बिरादरी का, सब प्रकार की मान्यताओं वाले लोगों का एक ही मंदिर है, एक उपासना स्थल है, जिसका नाम है आर्य समाज दादूपुर। यहाँ सब लोग आते हैं बिना किसी भेदभाव के, आर्य समाज में यज्ञ करते हैं, शिविर लगते हैं, संस्कार होते हैं, सब लोग जैसा महर्षि दयानंद जी महाराज देश को देखना चाहते थे, जैसा योगेश्वर कृष्ण जी महाराज देश को देखना चाहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी देश को देखना चाहते थे, और अब आरएसएस की प्रतिनिधि सभा ने जो निर्णय लिया है, और मान्य देश के संघ के संघ संचालक मान्य भागवत जी जैसा देश को देखना चाहते हैं, ये आर्य ग्राम दादूपुर सैकड़ों वर्षों से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, उस सपने को जी रहा है। आज भी सबका समाज, एक धर्म, एक संस्कृति, एक नारा, एक समाज, एक नारा है कि हमारा वैदिक धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है, राम और कृष्ण हमारे आदर्श पुरुष हैं, और हम सब मानव जाति हैं, आर्य हमारा नाम है, वैदिक हमारा धर्म है, भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है, और महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वें जन्म दिवस के उपलक्ष में और उस जन्म शताब्दी वर्ष में, जो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक लगातार कुरुक्षेत्र में चारों वेदों का यज्ञ किया था, और समस्त भारत की आध्यात्मिक परंपराओं ने 1 फरवरी को महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम शुभारंभ किया था, ये उसी कड़ी का पहला कार्यक्रम है। उस कड़ी के बाद आर्य समाज दातुपुर आर्य ग्राम में महर्षि दयानंद जी महाराज द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष का ये द्वितीय कार्यक्रम है, और यहाँ गांव ने 35 लाख रुपए की लागत से इस आर्य ग्राम में यज्ञशाला बनाई है, और सारा देश देखेगा, आदर्श एक स्थापित होगा। 22 तारीख को जिस दिन इस यज्ञशाला का उद्घाटन होगा, वो मैं उसी दिन राष्ट्र उद्घाटन करूँगा कि उस दिन देश में क्या चमत्कार होने वाला है। समस्त आर्य समाज के लोगों से, आध्यात्मिक परंपराओं के लोगों से, और भारत की आर्य जनता से, और मैं कहता हूँ भारत के आर्य नेताओं से मेरा निवेदन है, 15 तारीख से चल करके 22 तारीख तक चलने वाले इस यजुर्वेद पारायण महायज्ञ में सारे लोग आए, हजारों की संख्या में आए, गांव वाले उनकी रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करेंगे, कोई भी व्यक्ति कहीं से चल करके आर्य समाज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है, और आर्य ग्राम दादूपुर को ये सौभाग्य दे सकता है कि वो यहाँ पर आकर के उनकी सेवा कराएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद जी महाराज का ये 202वीं जन्म शताब्दी समारोह है, भारत के मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया, और उस दिन से सारी संस्कृति सारे कार्यक्रम होने लग रहे हैं। भारत का संस्कृति मंत्रालय इस 200वें जन्म दिवस को या द्वितीय जन्म शताब्दी को मनाने पे कमर कस करके बिल्कुल तैयार बैठा है। मैं हरियाणा सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, इस आर्य ग्राम दादूपुर के जो मेन गेट है, जो यहाँ से असंद रोड से और निसिंग रोड से दो रोड इस गांव में आते हैं, दोनों के दोनों जगह हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं, दोनों जगह महर्षि दयानंद द्वितीय जन्म शताब्दी द्वार बनना चाहिए,
और ये सरकार गौरव प्राप्त करे, यश प्राप्त करे और अपना मंगल करे, इन शब्दों के साथ। आर्य समाज को भी 150 वर्ष होने वाले हैं। आर्य समाज को भी 150 वर्ष होने वाले हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के नाम से इस आर्य ग्राम दादूपुर में कॉलेज है। यहाँ पर स्नातक तक की शिक्षाएं बच्चों को, बच्चियों को, सबको प्राप्त होती है। आर्य समाज के स्थापना के 150 वर्ष, महर्षि दयानंद जी महाराज की जन्म के 200 वर्ष, दोनों एक 150वीं शताब्दी, एक 200वीं दूसरी शताब्दी पे ये कार्यक्रम यूं ही चलेंगे। गांव धर गांव चलेगा, एक महर्षि दयानंद की रेल चलेगी, बिना पानी बिना तेल चलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक समय में एक स्वर में कहेगा जग सारा, महर्षि दयानंद है गुरु हमारा, महर्षि दयानंद है गुरु हमारा।